भुजंगासन करते। अब भुजंगासन किया तो इससे एक साथ मेरुदंड, हार्ट, लंग और पूरा स्ट्रक्चर इंबैलेंस, ये सब ठीक हो जाते हैं। माने अकेला भुजंगासन किया इससे वेट तो कम होगा ही होगा, इससे कमर दर्द तो मिटेगा ही मिटेगा। इस भुजंगासन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इससे लोम्बर स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोरेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इससे सब ठीक होगा ही होगा। इससे फेफड़े और हार्ट ऐसे फौलादी बन जाएंगे, ऐसे आराम आराम से, और जो थोड़ा ऐसे मजबूत हैं वैसे फास्ट भी कर सकते हैं, 25-50-100 बार भी कर सकते हैं। तो इससे वेल टोन्ड बॉडी भी मिलेगी। तो अकेले भुजंगासन के कितने फायदे हैं, अकेले सर्वासन के कितने फायदे हैं, जितने भी पेड़ो भाग से रिलेटेड रोग हैं वो ऐसे सर्वासन करने से दूर हो जाएंगे। और जब ऐसे सीधे लेट करके पवन मुक्तासन करो बेटा, पवन मुक्तासन करते हैं। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ज़्यादा न कर पाए तो मंडूक आसन कर लें, भुजंगासन, सलभासन और ये पवन मुक्तासन ही कर लें। 4-5 आसन ही डेली कर लेंगे तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा, वात पित्त कफ दोषों का बैलेंस रहेगा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा। और जब शरीर का, इंद्रियों का, मन का, विचार भाव संवेदनाओं का संतुलन होगा, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संतुलन और संयम होगा, तो फिर कैसे कोई रोग हो सकते हैं। अब अच्छा स्वामी जी, आसन से, अब जैसे किसी को कमर में दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन कर ले और मरकट आसन कर ले, तो इतने से ये एक एक आसन से ऐसे जो लाभ होते हैं उन्हीं को हम यहाँ रोज कहते हैं कि ये योग मात्र कोई एक कर्मकांड नहीं है, ये मात्र एक एक्सरसाइज नहीं है। इसमें अब जैसे किसी ने ये सर्वांग आसन किया, अब इस सर्वांग आसन से मस्तिष्क और ब्लड का सर्कुलेशन, यहाँ पर न्यूरो प्रॉब्लम्स, जिनको चलना फिरना नहीं आता था, एक भाई तो यहाँ पर है जो एक तरह से अपाहिज सा हो गया था, विकलांग सा हो गया था, अब जन्मजात उसको न्यूरो प्रॉब्लम्स थी और बहुत तरह की, अब वो चल पाता है, माने अलग अलग प्रकार की दिक्कतों से उसको ऐसा लगता था अब जिंदगी ठहर सी जाएगी। हम ये अभ्यास करवा करके जो और नहीं कर पाते, जो अच्छा स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कर पाते जो हमारे योगाचार्य भी करें, करो बेटा कि योगाभ्यास तो आप इंडिया टीवी पर पिछले 2 साल से करीब करवा रहे हैं और पूरे देश को आप योगाभ्यास सालों से सिखा रहे हैं, लेकिन ये षटकर्म और पंचकर्म की जो क्रियाएं हैं ये कभी कभी हमें देखने को मिलती है और वाकई देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉडी को डिटॉक्स करना कितना जरूरी होता है। तो अभी जैसे कि मैं देख रहा था कि एक साहब के बॉडी पर मिट्टी जैसी कोई चीज मली जा रही थी, क्या वो मिट्टी है या कोई मेडिकेटेड आपने चीज तैयार की जिससे मालिश की जा रही है? देखो जो कर सके वो तो 5-5 मिनट ये शीर्षासन और सर्वांग आसन कर ले, जो ना कर पाए तो अनुलोम विलोम कर ले।